भारतीय जनता पार्टी के सीहोर जिला अध्यक्ष रवि मालवीय के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार को नसरुल्लागंज में द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति चुनने के बाद आदिवासी बस्ती में पहुंचकर बच्चों को मिठाई वितरित की गई और उत्साह के साथ जश्न मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हुई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री चंद्रकांत खंडेलवाल, विधायक प्रतिनिधि राजेश लखेरा, महामंत्री कपिल खंडेलवाल, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र परिहार, युवा मोर्चा के नगर के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, नवनियुक्त पार्षद ओम पवार, पार्षद प्रतिनिधि रितेश मकवाना, पूर्व पार्षद रामदीन पवार मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासी बस्ती में पहुंचकर भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन के उपरांत उत्साह मनाया गया। भारत के लिए ये गर्व का विषय है कि एक आदिवासी जनजाति महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाया गया है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई दूंगा, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएमएस टीवी, नसरुल्लागंज।